हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड को, इसके एक्सप्लेनेशन विद इसके डायग्राम्स हम इसको कवर अप करने वाले हैं। सो आइए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। क्या कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि बाकी चीज़ों को अगर इक्वल रखा जाए तो जो क्वांटिटी डिमांड कर रही हैं वो इंक्रीज करती है विद डिक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जैसे ही कोई किसी कमोडिटी के प्राइसेस में कमी आती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आज आपने देखा कि गोल्ड जो है वो आपको 50,000 रुपये तोला मिल रहा है और कल को वो अगर 10,000 रुपये तोला हो जाता है, तो अगर आप 10 ग्राम गोल्ड खरीदने वाले थे तो नेक्स्ट डे आप जब जैसे ही गोल्ड सस्ता हुआ आप ज़्यादा खरीदोगे, मे बी 50 ग्राम, 100 ग्राम, वो आपकी चॉइस रहेगी। तो यानी कि जैसे ही किसी चीज़ के प्राइसेस घटते हैं वैसे ही हम लोगों की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो यही होता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें, there is an inverse relationship between quantity demanded of the commodity and its own price. दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो एक inverse relationship होती है, उल्टी relationship होती है। क्या होती है? Price और quantity के लिए होता है हमारा law of demand। अगर price बढ़ रहे हैं तो quantity घट जाएगी और price अगर घट रहे हैं तो quantity बढ़ जाएगी। तो इन दोनों के बीच में inverse relationship दिखाई जाती है, उल्टी relationship दिख रही है ना आपको, ये inverse relationship है। Now आगे ये क्या कह रहा है? अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट, बाकी सभी चीज़ों को कांस्टेंट रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि द टर्म अदर थिंग्स बीइंग इक्वल इम्प्लाइज, तो यहाँ पर ये जो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल क्या कह रहा है, ये इम्प्लाई करता है कि दैट ऑल अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ द डिमांड, कि बाकी के सारे जो डिटरमिनेंट्स हैं डिमांड के, जो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं, अदर देन द ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सिर्फ प्राइसेस को छोड़ के, कमोडिटी मतलब कोई भी वस्तु जो आप खरीद रहे हैं उसके प्राइसेस को छोड़ करके, रिमेन कांस्टेंट, बाकी की सारी चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं, वो नहीं बदलती हैं। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। नाउ इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। द लॉ ऑफ डिमांड मे बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डिमांड शेड्यूल। अब इस लॉ ऑफ डिमांड के लिए हम इसको एक डिमांड शेड्यूल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप अपने डिमांड शेड्यूल को देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, इधर की साइड में प्राइसेस और इधर की साइड में क्वांटिटी को डिनोट करा गया है EX एंड QX से। अगर आपके प्राइसेस 10 रहते हैं तो आप 100 यूनिट्स खरीदते हैं उस कमोडिटी की, अगर 9 रहेंगे तो आप 150 यूनिट्स खरीदने लग जाते हैं उस कमोडिटी की, और प्राइसेस अगर 8 पर यूनिट हो जाते हैं तो आप 200 यूनिट्स खरीद लेते हैं। तो जैसे जैसे प्राइसेस कम हो रहे हैं हमारी जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जा रही है, यही इस चीज़ में एक्सप्लेन करा गया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो जो डिमांड कर्व होती है वो हमारी जो डिमांड कर्व जाती है वो ये दिखाती है कि डिमांड ऑफ द कमोडिटी एक्सटेंड फ्रॉम OQ टू OQ1। जैसे ही OQ से OQ1 तक हमारी जो क्वांटिटी बढ़ती है तो प्राइसेस हमारे जो होते हैं वो उल्टे हो जाते हैं, जस्ट इसका ऊपर वैन इट्स प्राइसेस फॉल फ्रॉम OP टू OP1। हमारी क्वांटिटी कब बढ़ती है? जब प्राइसेस OP से OP1 पर पहुंच जाते हैं, यानी कि प्राइस घट जाते हैं, इसलिए इसकी डिमांड कर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। आप इसको क्लियरली देख सकते हैं, क्वांटिटी अगर क्यों थी तो आप प्राइसेस इसके लिए पे आपको पी करना पड़ रहा था, जैसे ही क्वांटिटी घट करके P1 पर आई तो आपने अपनी क्वांटिटी को बढ़ा दिया और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर हमारी डिमांड कर नेगेटिवली स्लोप्ड हुई। तो यही था डाउनवर्ड कर्व, इस एक्सप्रेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। ये डाउनवर्ड कर्व जो है आपकी लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करती है। नाउ इसके एजम्पशंस को हम इंक्लूड करते हैं। क्या है एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड? ये कहता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट। आपके जो टेस्ट और प्रेफरेंसेस हैं, यानी कि जो चॉइसेस हैं, वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगी, वो चेंज नहीं करेंगी, एक जैसी रहेंगी। देयर इज नो चेंज इन द इनकम ऑफ द बायर्स। बायर जो खरीदने वाला है उसकी इनकम में कोई चेंज नहीं आता है। नेक्स्ट, प्राइसेस ऑफ द रिलेटेड गुड्स डू नॉट चेंज। रिलेटेड गुड्स के जो प्राइसेस हैं वो बदलते नहीं हैं, वो सेम रहते हैं। नेक्स्ट है, कंज्यूमर डू नॉट एक्सपेक्ट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी इन नियर फ्यूचर। जो कंज्यूमर होते हैं वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं किसी भी सिग्निफिकेंट चेंज के लिए, जो भी कोई चेंज आना है उसके लिए वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर, आने वाले टाइम में, आने वाले फ्यूचर में। तो ये होता है हमारा कंप्लीट लॉ ऑफ डिमांड। आई होप आपको इसके अजम्पशंस और एक्सप्लेनेशन के साथ इसको समझ आएगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।